हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन। अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन द फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सेस। प्लेटफॉर्म, इट्स रेडियस 2 मीटर एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सल इज 200 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनिशियली इसमें रेस्ट में। अब 50 किलोग्राम मेन स्टैंड ऑन द एज, स्टैंड ऑन दी एज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड बिगेन्स टू वॉक अलॉन्ग अलॉन्ग द एज एट द स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। टाइम टेकन बाई द मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इच। ठीक है, देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्यूशन। देखो तो क्वेश्चन में पहले जो कह रहा है वो करते हैं कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म बना लिया, ये वर्टिकल एक्सेस है, ऐसे इस एक्सेस के अबाउट ये घूम रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सेस बना लीजिए और ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म हो गया। एक पर्सन जो इसकी एज पर है, यहां पर खड़ा हुआ है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है मान लो। ठीक है, ठीक है, कितनी स्पीड चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी कल टू 1 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्वेश्चन में गिवेन है, तो इस पर्सन का एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा ना डिस्क का रहेगा, दोनों का मिला के एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। कैसे जरा समझें, वो भी सेंटर के अबाउट, किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं रहेगा, केवल सेंटर के अबाउट। डिस्क प्लस पर्सन, डिस्क कह दो या प्लेटफॉर्म और मेन, इन दोनों का मिला के एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। समझते हैं कैसे, ध्यान दें। जैसे जब ये पर्सन आगे चल रहा हुआ इस डिस्क पर, तो पर्सन पर फोर्स आगे लग रहा होगा तभी तो वो आगे मूव कर रहा है, और डिस्क पर फोर्स पीछे लग रहा होगा इक्वल, और एक हिंज फोर्स भी होगा क्योंकि ये एक्सल है, यहां पर तो एक हिंज फोर्स भी होगा। अगर मैं टॉर्क निकालूं अबाउट इन तीनों फोर्स का, एक एफ का, एक एफ का और एक हिंज फोर्स का, तो टॉर्क अबाउट द सेंटर ओ इक्वल टू हिंज फोर्स का, तो टॉर्क जीरो होगा क्योंकि हिंज फोर्स का सेंटर ओ से जो परपेंडुलर सेपरेशन है वो जीरो है। टॉर्क क्या होता है, आर परपेंडुलर एफ, तो वो तो हिंज फोर्स का तो कितना हो गया, मान लो ये हिंज फोर्स है, इसका तो टॉर्क जीरो होगा। प्लस इस वाले एफ को निकालूं तो एफ तो आर परपेंडुलर ये वाला हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई और आर परपेंडुलर ये हो गया। और इसकी दर्शन दिखाएं तो टॉर्क की तो आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ ऐसे, तो आर क्रॉस एफ करें तो ऐसे टॉर्क की दर्शन ऊपर, और इस वाले की दिखाएं तो आर क्रॉस एफ टॉर्क की दर्शन नीचे। मतलब एक टॉर्क आपका आर लिख लें ये अपवर्ड है, और एक टॉर्क एफ इंटू आर ये डाउनवर्ड, तो ये दो कैंसिल और ये तो जीरो है, ये तो टॉर्क अबाउट सेंटर ओ जीरो। लेकिन ये टॉर्क केवल मेन का टॉर्क जीरो नहीं है बेटा, अगर ओनली मेन का देखें तो मेन का टॉर्क तो है पर्सन, और प्लेटफॉर्म का भी है, हिंज का तो जीरो है चलो, लेकिन कंबाइंड टॉर्क जीरो है। दैट मीन्स टॉर्क अगर जीरो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम में कौन आ गया, मेन प्लस प्लेटफॉर्म अबाउट सेंटर, और किसी पॉइंट के अबाउट नहीं, केवल सेंटर के अबाउट। अगर आप किसी और पॉइंट के अबाउट देखोगे टॉर्क जीरो नहीं होगा, सिस्टम का भी अबाउट सेंटर कॉन्स्टेंट। अगर ऐसा है तो देखो इनिशियली जो पूरे सिस्टम का जो टॉर्क है वो जीरो है, क्यों, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो आपका जीरो है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, जीरो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, तो मेन का एंगुलर मोमेंटम और प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा, तभी तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो रहेगा। तो इसीलिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, जीरो, और इसको जीरो करने के लिए मेन का एंगुलर मोमेंटम और प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए।
क्योंकि इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो मेन का एंगुलर मोमेंटम, मेन का और एंगुलर मोमेंटम किसका, प्लेटफॉर्म का इक्वल। तो मेन का लिखें तो मेन को एक पॉइंट मास मान सकते हैं, पॉइंट पॉइंट मास मान सकते हैं। तो मेन का लिखें तो एम आर परपेंडिकुलर वी, ये तो मेन का हो गया। और ये डिस्क का लिखें तो डिस्क का हो गया आई ओमेगा, ये डिस्क का हो गया, ये तो आपका प्लेटफॉर्म का हो गया, प्लेटफॉर्म क्योंकि रिजिड बॉडी है। और ये हो गया मेन का। देखो मेन को तो आप पॉइंट मास मानो, और पॉइंट मास के लिए पॉइंट मास, और पॉइंट मास के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एम आर क्रॉस वी होता है, और इसका वेक्टर फॉर्म में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो एम आर परपेंडुलर वी। आर परपेंडुलर जो वेलोसिटी के परपेंडुलर है वो है आर परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आप जो प्लेटफॉर्म है वो रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो मेन का मास कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 50 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम पुट कर दो। और आर परपेंडुलर जो उसकी रेडियस होगी उसी को आर परपेंडुलर कहेंगे मेन के लिए भी, वो कितनी है आपकी, 2 मीटर। तो ये 2 मीटर लिख दिया, कैपिटल आर 2 मीटर, इंटू स्पीड कितनी है मेन की, 1 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 1 लिख दिया, इज इक्वल टू। प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा, 200 kg, तो 200 kg। और ओमेगा मेरे को पता नहीं है के प्लेटफॉर्म का एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। ये तो 100 हो गया, इज इक्वल टू 200 ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया कितना, इसे काटने के बाद 1/2, दैट मीन्स 0.5 रेडियन पर सेकेंड, इतना हो गया। अब अगर मैं, ये एंगुलर वेलोसिटी है प्लेटफॉर्म की, ये प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी हो गई, इसीलिए अगर मैं लीनियर वेलोसिटी निकालूं प्लेटफॉर्म की, लीनियर वेलोसिटी ऑफ एज ऑफ प्लेटफॉर्म, एज ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म वो निकालें तो ये प्लेटफॉर्म की है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वी पी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा पी। तो आर तो 2 है और ये 0.5 है, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी आई विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में अब ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। देखो ये तो आपका क्या है, प्लेटफॉर्म, ये तो प्लेटफॉर्म हो गया, और ये इसका एक्सल है, इसके अबाउट आपका ये मूव कर रहा है, घूम रहा है। देखो जब इसमें जो पर्सन है ना, ये जब वो पर्सन ऐसे चलेगा ऐसे, तो पर्सन की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऐसे है बेटा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मेन की वेलोसिटी हो गई है, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 1 मीटर पर सेकेंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरह से चलेगा, वी प्लेटफॉर्म, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब मैं क्या करूं, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म निकालूं, प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू, या सॉरी वेलोसिटी ऑफ मेन निकालूं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम मेन का पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मेन निकालूं, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म निकालूं, विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, यानी तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेन की वेलोसिटी है, ये मेन की वेलोसिटी निकाल रहा हूं लेकिन प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। वी एम पी इज इक्वल टू वी एम माइनस वी पी। अब इस दर्शन को मैंने पॉजिटिव माना है और इस दर्शन को मैंने नेगेटिव माना है, ठीक है। तो मेन की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड और प्लेटफॉर्म की -1, तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। ये मेन की वेलोसिटी है कहां से, बैठकर देखकर,
बैठकर देखें, प्लेटफॉर्म से देख बैठकर अगर मैन की वेलोसिटी देखेंगे वो 2 मीटर पर सेकंड, ये ग्राउंड पर से खड़े होकर देखेंगे तो मैन की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म से खड़े होकर देखेंगे बैठ ऑब्जर्व करेंगे तो मैन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो मैंने मैन की वेलोसिटी निकाल ली विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। अब क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेता हूं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ये अगर निकालें तो ओमेगा मैन विद रेस्पेक्ट टू पी, वी मैन विद रेस्पेक्ट टू पी डिवाइडेड बाई कितना रेडियस, तो ये कितनी बेटा आपकी 2 और रेडियस 2, तो ये आ गई 1 रेडियन पर सेकंड आपकी। देखो एंगुलर वेलोसिटी मैंने पहले भी निकाली थी प्लेटफॉर्म की, लेकिन वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड थी बेटा, ये एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी प्लेटफॉर्म की, ये प्लेटफॉर्म की थी लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, किसके रेस्पेक्ट में थी, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैंने एंगुलर वेलोसिटी निकाली है प्लेटफॉर्म की विद मैन की निकाली है, वो तो प्लेटफॉर्म की थी, ये मैन की है विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, सॉरी। ठीक, चलिए अब क्या करें, अब हम जानते हैं ओमेगा आई पी एम इजिकल टू फॉर्मूला होता है 2π/टाइम पीरियड, 2π/टाइम पीरियड, या आप ये कह सकते हो कि ओमेगा मेन विद रेस्पेक्ट टू टी इजिकल टू थीटा अपॉन टाइम होता है। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2π, और टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी। तो हमसे टाइम पीरियड ही पूछ रहा है, टी एक रिवोल्यूशन में करने समय पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय द मेन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, तो कैपिटल टी पूछ रहा है, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा मेन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो ये 2π और इसकी वैल्यू है 1, तो 2π/सेकंड इतना टाइम लगेगा बेटा मेन को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में, 2π/रेडियन पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि आप 2π/सेकंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।